हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो पे नोज और चीक्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो का बिना स्किप के पूरा एंड तक वॉच करना। और दो दिन से का इस वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैंने कोविड का वैक्सीन लिया है, फर्स्ट डोज लिया है, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं ड्रॉइंग भी नहीं कर पाया और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया है। बट आप सबको वीडियो रेगुलर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, स्टार्ट करता हूँ मैं नोज से। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एजी पेंसिल, और जो नोज का रैशेज वाला पार्ट है वो कंप्लीट डार्क है। तो वहाँ पर पहले मैं इससे एक फर्स्ट एड शेड दे रहा हूँ, और बाद में उसको डार्क करने के लिए मैं 6B या फिर 8B का यूज़ करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एक फर्स्ट एड शेड दे रहा हूँ, और इसी से मैं पूरे नोज में जहाँ जहाँ पर भी शेड देने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं शेडिंग करूँगा। और जो हाईलाइट वाला पार्ट है वहाँ पर मैं ज़्यादा शेड नहीं करूँगा, बट ब्लेंडिंग करने के बाद उसके अंदर शेडिंग जाएगा, तो उसको हम टोम्बो मोनो से इरेज कर देंगे। आप ऐसे नहीं कि पूरा ही हम इरेज कर देंगे, हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर हाईलाइट देंगे। तो पहले मैं HB से पूरे में फर्स्ट दे देता हूँ। तो बस फर्स्ट मैंने दे दिया है। अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश के थ्रू ब्लेंड कर दूंगा। और फर्स्ट में आप देखो, मैंने लाइट एंड शेडो में हल्का सा डिफरेंस रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। जो एरिया ज़्यादा डार्क है वहाँ पर पेंसिल को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा अप्लाई किया है, और जहाँ पर थोड़ा सा लाइट है वहाँ पर कम बड़ मैंने अप्लाई किया पेंसिल को, और जहाँ पर हाईलाइट था वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पेंसिल को अप्लाई नहीं किया है। बट फर्स्ट ईयर में पेंसिल मैंने एक ही यूज़ किया है HB का। सो इस ब्लेंडिंग के बाद अब मैं सेकंड लेयर के लिए मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा, 4B। और उसके बाद थर्ड लेयर के लिए मैं यूज़ करूँगा 6B, जो बिल्कुल डार्क एरिया है वहाँ पर 6B यूज़ करेंगे। और डिटेलिंग के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा। सो बस अब सेकंड लेयर में हमें रेफरेंस में से पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया कितना डार्क है, कौन सा कितना हाईलाइट में है। और जो रैशेज वाला पार्ट है बिल्कुल डार्क, वहाँ पर तो मैं एकदम 6B से डार्क कर दूंगा, और बाकी एरिया पे मैं 4B पेंसिल से जो है शेडिंग करूंगा। और जहाँ पर भी मुझे ब्लेंडिंग करना होगा पहले तो मैं मेकअप ब्रश के थ्रू ब्लेंड करूंगा, और उसके बाद शेड को बिल्कुल स्मूथ करने के लिए वहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प से ब्लेंड करूंगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट अचीव कर सकते हो। पहले तो ब्रश के थ्रू ब्लेंड कर देना, और उसके बाद आपका अगर ब्लेंडिंग स्टाम्प है तो उससे ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप कॉटन पैड भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो आगे किस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस अब मैं इसको टोम्बो मोनो 0 रिजल्ट हाईलाइट करने के लिए,
सिंपली हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग हाईलाइट करेंगे और इस तरह काम आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। सो गाइस नोज के बाद अब मैं चिक्स को ड्रॉ करूँगा। तो ये बट मैं यूज़ करूँ एजी पेंसिल का, जो लेफ्ट साइड वाला चिक्स है वहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर दिया है और उसको मैंने ब्रश के थ्रू ब्लेंड भी कर दिया है। अब सेकंड लेयर के लिए भी मैं वही एजी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और थर्ड लेयर के लिए मैं यहाँ पर 2B पेंसिल यूज़ करूँगा। और लेफ्ट साइड वाला चिक्स उतना डार्क नहीं है तो हाइस्ट मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा। और जो राइट साइड वाला चिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पर तो हम हाइस्ट 6B पेंसिल तक यूज़ करेंगे। तो हमें बस बिल्कुल लेयर पे लेयर शेड करना है और रेफरेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर लाइट एंड शेडो को ध्यान रखते हुए हमें शेड करना पड़ेगा। सो गाइस अब मैं रेफरेंस पर चिक्स को ड्रॉ करता हूँ। तो प्रोसेस सेम ही होगा, बस जो शेडिंग है वो थोड़ी सी डार्क होगी इधर। तो हाँ, हमें यहाँ पर ज़्यादा लेयरिंग करना पड़ेगा और पेंसिल जो है वो हमें थोड़ा सा डार्क यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस होगा, तो देखो आगे किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आज इतना ही कंप्लीट हुआ था तो मैंने सोचा कि इतना अपलोड कर देते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्प लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।